Samani. Ei, kakchubu, kakchuyu. सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है अंजलि पे प्रैंक वीडियो और उम्मीद है कि आप सभी इंजॉय करेंगे। इससे पहले मेरे को कोई आइडिया था नहीं, बहुत सारे लोग मेरे को आइडिया दे रहे थे कि प्रैंक वीडियो करो ये सब, तो मैं यही कर रही हूँ कि अंजलि आएगी और मैं उससे बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करूँ, मैं उसको उससे बात ही ना करूँ, बस अपने काम करने लग जाऊँ। तो आज मैंने ये आइडिया ट्राई किया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कैमरा सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, कैमरा कहाँ रखना है। अगर ऐसे कैमरा खोल के रखूँगी उसके सामने तो वो सोचेगी कि अभी क्यों खोला है, अभी तो कुछ बोल भी नहीं दी ये वो, तो थोड़ा सा शक का विषय भी हो सकता है इसमें। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा ट्राई कर पाती हैं और क्या हो पाता है या फिर मेरे से बनता कि नहीं बनता। लेकिन प्लीज़ ऐसे मत बोलिएगा कि ये क्या था ये सब, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया तो आ नहीं रहा है कि कैसे क्या बोलना है और क्या करना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। और मैं कैमरा ऑफ नहीं करूँगी, जैसा भी रहेगा आप बिल्कुल देखते रहिएगा, ठीक है। और अभी अभी मैंने अंजलि को कॉल किया, वो कह रही थी कि वो गेट पे आ गई है, तो मतलब जस्ट 2-3 मिनट में वो पहुंचने ही वाली होगी वहाँ पे, 2-3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो मतलब मैं आज रात तक उससे ना कोई उसकी किसी बात को रिस्पॉन्स नहीं करने वाली, तो मतलब मैं सो रखी हूँ और वो जैसी आएगी मैं सीधे उसकी तरफ कैमरा घुमा दूंगी, ठीक है, उसको पता नहीं चलने दूंगी। जब मैं कैमरा ऑन करके मेकअप करती रहती हूँ उसको ये पता है ज्यादातर कि ये कैमरा ऑन करके मेकअप करती है, तो इसलिए आप इसलिए मैं क्या करूँ, मतलब ऐसे कैमरा ऑन रखती हूँ इसलिए मेकअप करती रहती हूँ, ठीक है। You get to that? Who? You.
अरे जी मैं दोस्तों दियो मतलब यो देखो मेरे साई बड़े गई है ने सब बोल में लिया ये बे सेवा का हैं ऐसे रोजा दी मम्मी हैं कैमरा ऑन क्लिक के धरे ना तब दे मैं धरे रे वो हैं मने ये भी नहीं कमा बड़ी जो दे लोड़ी नहीं नहीं गोर आ अगे तो वो कर दे ये तो कर दी था वो तोड़े ना मैं वो बोले बचाई लेके जा वो है ते वेदा ना आप उधर भी हाँ वक़्त दुई गिला से काम अंदर जरा सुखा हम चुए हम अच्छा अरे डेली नहीं तो अभी बोल में ले अच्छा ओके आ दूध भी खूब है चल ए बोले बोले ये कहीं क्या थी ना इन दोनों ने मेरा कैमरा घेर लिया। वैसे मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं प्रैंक कर रही हूँ, पर मैंने सिर्फ प्रैंक बोला, मम्मी समझी थोड़ी होगी कि प्रैंक मतलब क्या होता है। इन दोनों को पता नहीं है अभी ज़्यादा कुछ, तो मेरे को बीच बीच में कैमरा इसलिए कट करना पड़ रहा है कि बीच बीच में कैमरा इसलिए कट करना पड़ रहा है क्योंकि मतलब हो ही जाता है ना, उतनी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर फालतू की चीज़ें जब ये होंगे भी नहीं सामने, तो इसलिए मैं कैमरा ऑफ़ कर रही हूँ। वरना मैं सोच रही थी कि पूरी कैमरा ऑन ही रखूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इन्होंने मेरा कैमरा ही घेर लिया। और अंजलि ने कहा ये कैमरा क्यों ऑन करा हुआ है, वो तो मैंने ऐसे ही किया था। मैंने ये गलती की कि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, मुझे बैक कैमरा करके फ़ोन रखना चाहिए था। अब मैं यही करने वाली हूँ कि बैक कैमरा से फ़ोन रख लूँ। एक सेकेंड हाँ अभी मेरी चाय बन रही है और वो लोग बाहर पे हैं, तो अंजलि के साथ मैं ये वाला प्रैंक कर रही हूँ कि उसको मैं मुँह ही नहीं लगाऊंगी, मतलब कुछ जवाब नहीं दूंगी, कुछ बात का बिल्कुल चुप रहूंगी। और वो बाहर बोल रही है क्योंकि वो उसके आने के बाद हम लोग एक्ट करते हैं, वो कह रही कि एक्ट क्यों नहीं कर रहे आज, अभी देखते हैं क्या बोलती है इसके बाद, ठीक है। तब तो कुछ देर के लिए कैमरा बंद रखना पड़ेगा। अरे लाइब्रेरी में अरे मैं रील तो नहीं देखो, खाली कमेंट पाणो मोनी के लास्ट वाली पोस्ट को वाली भेजी से या रील भेज दी है वो डिलीट वे को वाली से तो हम लोग एक्ट करते हैं, मैंने अभी तक उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया है, तो कुछ देर के लिए फिर कैमरा ऑफ करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक हमारी कोई बातचीत हो नहीं रही, तो अब रात को देखते हैं सीधे। मैं इसके बाद नीचे ग्राउंड में जा रही हूँ, ये देखिए ये है ग्राउंड, और शाम को मैं जरा वहाँ पार्क में जाती हूँ। एक साइड धर वे, ठीक है, एक साइड धरना ताकि वे दीवार फट खोली, दुकान ना लगो वे कर फटाफट। बंद करती है, नेट भेजो बाद में बंद रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, प्रैंक वीडियो में क्या करूँ, इतना ही हो रहा है। अंजलि मुझे बीच में पूछ भी रही है कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों मैं अपने काम करने वाली अच्छा, एक बुला ले।
हुए तरफ ये चुपचाप हूँ यहाँ खड़े अभी ना मैं कुछ बोल तो कुछ नहीं बोले सूरज उधर नहीं हुई सूरज उधर नहीं हुई पैसे थे तो ओ तब इधर चल चल नीचे आटो गूंदा अब वीडियो बनाए थे ना वीडियो बाद में एडिट करें पेपर टेबल ले लीजिए वो कर अरे बहन आ वो खा हॉस्पिटल चक्कर करना है चश्मा पे अच्छा अरे प्याज कर दी फिर भी मैं आंगू लाऊं मुझे अच्छा मन का चुपचाप हुई एक बार ये चुप बढ़िया जो लोग ज्यादा ना ज्यादा बुलो है से मजा आ ना तो वो चल सको तो हफ्ता में याद बार चुप शांत शांत बढ़िया चुपचाप साइलेंट साइलेंट बढ़िया थे चुप रो बोली थे बात नहीं कर आज आदमी वो नहीं क्या जन होता कि जन जी आदत होली के तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मम्मी लोग अब मेरा प्रैंक खत्म हो गया देखो मैं तुम लोग पे प्रैंक कर रही थी प्रैंक अरे तब ये तो फोन दे देखो हम ये जगह ठीक है हम पता नहीं लोग पता लगता तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ प्रैंक ना नहीं हो पाता है बहुत मुश्किल है मतलब जो लोग प्रैंक करते होंगे ना वो प्लान होता होगा मतलब जैसे मैं कुछ कर नहीं पाई हाँ कुछ ना बोल पाई कि क्या करूँ क्या हुआ तो जैसे भी आप लोगों ने देखा ना घर में वो प्लान होता है लोगों का पता नहीं मुझे नहीं पता कैसे होता होगा क्योंकि इतनी जगह कैमरा रखना फिर दूसरे की नजर पड़ती है फिर ये बहुत बार कैमरा ऑफ भी किया क्योंकि मैं एक्चुअली इसको ज्यादा शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत बार क्या करती रहती हूँ ऐसे भी वीडियो बनाती रहती हूँ खाली देखने की मैं कैसी लग रही कुछ भी ऐसे मतलब तो ज्यादा शक इसलिए नहीं हुआ होगा तो प्रैंक वीडियो ना बहुत टफ होती है बनाना तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि कैसा लगा होगा आपको मेरा पहला प्रैंक मुझे लगता है ये बहुत टफ है जहां तक संभव हो सके कहीं और जगह वहां मैं करूंगी लेकिन आज का प्रैंक बताइएगा आपको कैसा लगा बहुत बोरिंग सा तो नहीं लगा और चलिए फिर करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए व्लॉग में तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद।